कहा जाता है बिहार की राजनीति में नीतीश सरकार जिस पर मेहरबान होते हैं उनका किस्मत चमक जाता है, राजनीतिक तौर पे भी वह किस्मत चमक जाता है। और आज हम बात करेंगे एक वैसे शख्स पर कि नीतीश कुमार वैसे मेहरबान हो गए कि समझिए अब राजनीतिक कद भी उनका बढ़ेगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ राजन कुमार, आप बने हुए हैं न्यूज पेयर के साथ। स्पेशल स्टोरी में आज बात करेंगे बाहुबली आनंद सिंह। देखिए, जेल से रिहाई यानी कोर्ट ने उन्हें सजा से बरी कर दिया और वह जेल से निकले, और जिस तरीके से अब आनंद सिंह को एक बड़ा कद भी जदयू में मिलने वाला, अंदर खाने की बात आपको हम बता रहे हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार जिस तरीके से मेहरबान हुए हैं आनंद सिंह पर, याद करिए वो कहानी जिस समय आनंद मोहन जेल में थे उस समय नीतीश सरकार मेहरबान हुए, और मेहरबान होते ही शिवहर का सीट लवली आनंद को मिलता है और लवली आनंद भारी बहुमत से रितु जायसवाल को टक्कर देते हुए जीत हासिल करती है। यानी आपको याद होगा दो शेरनी का टक्कर था और उसके बाद लवली आनंद वहां से जीतती है। और ठीक अब बाहुबली आनंद सिंह भी बाहर निकल गए, सीएम नीतीश से उनकी मुलाकात हुई थी, मुलाकात के बाद फिर ललन सिंह से उनकी मुलाकात हुई, उनके बेटे भी साथ में थे, जो तस्वीरें सामने आई थी। अब कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार आनंद सिंह के लिए कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा उपहार देंगे। बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि जिस तरीके से समय के साथ राजनीति में भी परिवर्तन होती है, ठीक उसी तरह क्या मोकामा के दंगल में आनंद सिंह, जो कयास लगाया जा रहा है कि लड़ेंगे, उन्होंने अपने पत्नी के बारे में साफ तौर से कह दिया कि वो नहीं लड़ेगी, वो जनता के बीच में नहीं जाती है। यानी मोकामा के दंगल में क्या आनंद सिंह कूदेंगे, सवाल या राजनीतिक खेमे में दौड़ रही है। लेकिन उससे पहले जो अंदर खाने से जो बातें निकल कर सामने आ रही है कि ललन सिंह जिस समय मुंगेर से चुनाव लड़ रहे थे, पे रोल पर बाहर आते हैं आनंद सिंह, उनके लिए वो काम करते हैं और संजीवनी बूटी देते हैं। और ये भी कहा गया कि अशोक महतो को टक्कर देते हुए ललन सिंह वहाँ से विजय हुए। अंदर खाने से ये बात कही गई कि आनंद सिंह अगर ना होते तो ललन सिंह का जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता। और वही है कि अब आनंद सिंह जब बाहर आए हैं तो लालू तेजस्वी को निशाने पे ले रहे हैं। साफ तौर से वो लालू प्रसाद यादव के बारे में कहते हुए आए कि लालू सरकार जब था तो तेजस्वी उस समय क्यों नहीं सभी को नौकरी दिला दिया। अब वह नौकरी देने की बात कर रहा, सीएम नीतीश कुमार का प्रशंसा करते हुए आनंद सिंह नज़र आते। अब कहा जा रहा है कि पार्टी भी उनके कद को ऊंचा करने जा रही आने वाले समय में। मोकामा है, वहां से आनंद सिंह लड़ भी सकते हैं। और बिहार में देखिए समीकरण जो कहा जाता है भूमिहारों के लिए, आनंद सिंह के बारे में निश्चित रूप से जाना जाता है कि बिहार में जो समीकरण तैयार होता है, और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि अभी भी नीतीश उसी शासन के साथ राज करते हैं। और ठीक वही है कि आनंद सिंह को अब बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी, जेल से रिहाई, कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया, और उसके बाद से आनंद सिंह का जदयू के तरफ से जो अपनापन हो रहा है, सीएम नीतीश, ललन सिंह से मुलाकात हुआ, सीएम नीतीश कुमार बाहर गए थे बड़ी सौगात देने के लिए तो उनके गांव में भी रुके थे, ललन सिंह से मुलाकात हुई थी। राजनीतिक खेमे में कहा जा रहा है कि आनंद सिंह का कद सीएम नीतीश कुमार अब बढ़ाना चाहते हैं। विधानसभा का चुनाव है, 243 सीटों पर यह चुनाव होने वाला है। सिरदर्द एक बनकर जो पार्टी निकलकर सामने आई है, जनस्वराज पार्टी, आरजेडी की उधर तैयारी हुई है यानी महागठबंधन कहिए, और इधर एनडीए की तैयारी। लेकिन कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव में टक्कर हमेशा से ही दो ही पार्टी का रहा, वो जदयू और आरजेडी। और इसीलिए है कि जिस तरह से अब जदयू का नज़र जो वाईएम समीकरण पर पड़ा है, तो वही लालू का नज़र भी कुशवाहा पर पड़ा है। अब देखना होगा कि इस तरीके से भूमिहार समाज को भी किस तरीके से हिटिंग किया जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि आनंद सिंह का आने वाले समय में जदयू में कद बढ़ने वाला है। अंदर से बातें जो निकल कर आई है सूत्रों के हवाले से कि जल्द ही नीतीश कुमार आनंद सिंह को कोई बड़ा कद भी देने वाले, यानी उनका जदयू में कद ऊंचा करने वाले भी हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले किस तरीके से महागठबंधन के लिए रणक्षेत्र को तैयार किया जाएगा और किस तरीके से गोलाबंदी की जाएगी। आनंद सिंह क्योंकि विधानसभा चुनाव में काफ़ी मायने रखते हैं, और देखना होगा कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर आनंद सिंह महागठबंधन को टक्कर दे पाती है। उधर बंटू सिंह की बात की जाए तो बंटू सिंह, देखिए आनंद सिंह का हनुमान माने जाते हैं बंटू सिंह, लेकिन वह आरजेडी के तरफ है
आरजेडी की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया दे रहे नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन इधर बिहार के कहे जाने वाले छोटे सरकार भी नीतीश के साथ खड़े हैं।